हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट वैकेबरी जो हर एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ऐसी वैकेबरी रोज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब होता है, ये एक तरीके का नाउन होता है, इसका मतलब होता है समतल। जो एक फ्लैट चीज होती है, फ्लैट सरफेस होता है, उस फ्लैट सरफेस के लिए हम जनरल इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं रिकम्बेंट। इसका सिनोनिम देखें तो वो होता है लाइन या फिर हॉरिजेंटल, मतलब समतल, एक सीध में जो चीज होती है। इसका एंटोनिम होता है इरेक्ट और स्टैंडिंग। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो वो है दे आर नॉट रिकम्बेंट एंड द हेयर फॉलिंग फ्रॉम द हेड इज कर्ल्ड। मीन्स जो बाल सर से गिर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेट नहीं है, सीधे नहीं है, वो क्या है, घुंघरालू है। तो हम डे टू डे लाइफ में फ्लैट वर्ड तो जनरली यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में फ्लैट का सिनोनिम पूछा जाता है तो वो क्या है, रिकम्बेंट। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इनकम्बेंट का मतलब होता है, ये एक तरीके का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदधारी, जो एक प्रेजेंट पोजिशन पे है वो पर्सन, उस पर्सन के लिए हम यूज करते हैं पदधारी। पदधारी को बोलते हैं इनकम्बेंट। अगर इसका सिनोनिम देखें तो वो होता है करंट और एग्जिस्टिंग। एट प्रेजेंट जो हो, एग्जिस्टिंग जो चीज़ है, जो पर्सन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर इसका एंटोनिम देखें तो पास्ट और फ्यूचर होगा, कि पास्ट में कौन था और आने वाले कल में कौन होगा। इसका अगर एक एग्जाम्पल हम देखें तो वो है इनकम्बेंट प्रेजिडेंट वॉज डिफिटेड। जो एट प्रेजेंट प्रेजिडेंट था वो क्या हुआ, इलेक्शन में हार गया। तो इनकम्बेंट वर्ड तब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट पोजिशन के लिए किसी पर्सन के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब होता है अनुग्रही। ये एक तरह का एडजेक्टिव है, ये विशेषता बताता है। इसका मतलब होता है विलिंग टू फिट इन विथ समवंस विशेज ऑन इट, मीन्स किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देना। इसका सिनोनिम देखें तो अडेप्टिव नेचर का जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसका एंटोनिम देखें तो मैलेडेटिव होता है। मैलेडेटिव का मतलब होता है जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ना ढाले। मैलेडेटिव का मतलब ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हम देखेंगे शी वॉज अंडरस्टैंडिंग एंड अकोमोडेटिव एंड ऑलवेज हैड अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। जो लड़की के लिए हम बात करें वो अंडरस्टैंडिंग है, अकोमोडेटिव, हर सिचुएशन में अपने आप को ढल जाती है और उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इससे इंपॉर्टेंट वर्ड है अकोमोडेटिव और मैलेडेटिव। मैलेडेटिव का मतलब होता है जो हर सिचुएशन में अपने आप को ना ढाले। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं वैकेबलरी में एमलोरेट। एमलोरेट का मतलब होता है एक वर्ब है, ये एक तरह की क्रिया होती है। इसका मतलब होता है सुधार करना। हम जब कंटिन्यूस किसी चीज में सुधार करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूवमेंट को हम बोलते हैं एमलोरेट। ये अभी लेटेस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हम एग्जाम देखें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये वर्ड पूछा गया है। तो एमिलोरेट का मतलब होता है सुधार करना। इसका सिनोनिम देखें तो इनहेंस करना, बेटर होना। एंटोनिम देखें तो वर्सन, मीन्स जो कंडीशन थी उससे हम और बुरी चीज उसमें क्या करें, गिरावट आती है, तो उसको हम वर्सन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रिफॉर्म डिड मच टू एमिलोरेट लिविंग। हमको जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको रिफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत बेटर सुधार करने पड़ेंगे अगर हमको लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है तो। नेक्स्ट वैकेबलरी हम देखते हैं आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है एक नाउन है ये अपने आप में, और इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। किसी चीज़ का हम उल्लंघन करते हैं, वॉयलेट करते हैं, उस रूल को तोड़ते हैं, उसका मतलब होता है आउटरेज। सिनोनिम इसके देखें तो इनफ्लोरेट होता है, एनरेज होता है। इसका एंटोनिम होता है कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पब्लिक व आउटरेज एट द बिट्रुअलिटी इन्वॉल्व। जो जहाँ पे धोखाधड़ी होती है वहाँ पे लोग अपने रूल्स को वॉयलेट कर देते हैं। तो आउटरेज एक नाउन है, उसका मतलब होता है उल्लंघन करना, वॉयलेट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।